तो कह रहा हूं मुझे बहुत पसंद है। और जो वर्ड ऑफ माउथ था यकीन माने पंजाब में छाया हुआ था हीर द हीरो, तो हमने जिस आई थिंक ऑडियंस को टारगेट किया था उससे तो बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिल रहा था। हमारे कुछ सीन्स हैं जो आप टिकटॉक पे जाके देखें जिसमें जो है एक एक सीन पे जो है वो 18-18 मिलियन व्यूज है। वाओ। तो अगर आप व्यूज देखें तो शायद वो एपिसोड्स पे नहीं आ रहे थे यूट्यूब पे, बिकॉज देन यू हैव उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस देयर आल्सो। ट्रू। लेकिन जो एक रीजन स्पेसिफिक है उसमें तो बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है। और दमअसम और दराड़ यार देखिए जो चीज मैंने लिखी है मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ। आई विल नॉट थ्रो यू नो और आई विल नॉट शेयर द ब्लेम गेम विद समबडी एल्स, बट जिस चीज़ का मैं सिर्फ चेहरा हूँ अनफॉर्चुनेट बात है एक्टर्स के लिए कि वो उसके लिए आंसरेबल होते हैं। बिल्कुल। हालांकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है, उसके पीछे स्क्रिप्ट होता है, उसके पीछे मेकर्स होते हैं, सो इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग देयर तो वी कांट टेक जो फिल्म बनानी थी और कहनी थी हमारे पे कोई प्रेशर नहीं था, हमारे पे कोई एक ऑब्लिगेशंस नहीं थी या सेट फॉर्मूला नहीं था जो हमें फॉलो करना था। हमने वो बनाया जो हम बनाना चाहते थे। एंड आई थिंक इट डिड एक्चुअली रियली वेल। जितनी भी फिल्म्स 6 फिल्में उस दौरान थी एक हॉलीवुड की फिल्म समेत, तो आज वॉज दी ओनली वन विच इन फैक्ट अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंची और उसका लर्निंग है, लर्निंग है, लर्निंग है इन सारे प्रोजेक्ट्स से। लर्निंग इज मेक व्हाट यू बिलीव इन, सक्सेस एंड फेलियर अल्लाह ताला के और आपके नसीब में है। हाँ। उसकी वजह से काम ना करें। डू यू थिंक यू अराइव्ड ऑन द सीन The entertainment industry. जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं वो कंटेंट बना सकती हूँ और उस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है जो मैं कहना चाहती हूँ, मुझे तो उसी दिन पता था कि आई हैव अराइव्ड। ये दिया ना सही जवाब। या हाँ, वो तो लग गया करोड़ों रुपया। हाँ, अब तो मल्टीपल टाइम्स लग गया। अब तो मल्टी हाँ एग्जैक्टली exactly. हाँ तो बस प्रोड्यूसर्स को फायदा हो ही रहा होगा जो लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं बिल्कुल, वरना तो आजकल के दौर में कोई थप्पड़ भी ना मुफ्त में लगाए। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद यू। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ बिजनेस। एब्सोल्युटली। और फलाई इदारा तो है नहीं कोई भी प्रोडक्शन हाउस बिल्कुल के यार के हम फी सबीलिल्लाह कंटेंट बना रहे हैं। इवन धराड़ को बहुत सक्सेस मिली यार। धराड़ की जो अगेन मायूब बात कि हमें रेटिंग्स और व्यूज का बताना पड़ता है। हाँ। लेकिन ये पता नहीं किसने किस इडियट ने ये बेंचमार्क सेट कर दिया है। बिल्कुल ऐसी बात है। बट टेल मी समथिंग, आर यू एबल टू डू द काइंड ऑफ रोल्स दैट यू वांट एज एन एक्टर, एज अ राइटर नहीं मैं बात कर रहा, एज एन एक्टर जिस तरह के रोल्स आप करना चाहती हो वो रोल्स मैंने जब जब वो रोल्स किए जो मैं करना चाहती हूँ वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। मसलन बहुत सारे मसलन, मेरा पहला ड्रामा गुगी था व्हेयर आई वाज व्हिच वाज बेस्ड ऑन अमृता प्रीतम का नॉवल और आमना मुफ्ती ने उसे अडैप्ट किया, लेकिन पीरियड प्ले एक कंटेंट ड्रिवन और सीरियस सब्जेक्ट मैटर है। बिल्कुल। उसकी शायद जैसे जो बिछड़ गए की कहाँ व्यूवरशिप थी, बिल्कुल सही है, कहाँ उसकी रेटिंग्स थी, लेकिन क्या वो एक बेहतरीन ड्रामा नहीं है? वो मेरा पिछले 5 साल में अगर आप पूछे मेरा फेवरेट कौन सा ड्रामा है तो आई थिंक वो जो बिछड़ गए। तालियां जो बिछड़ गई टीम के लिए। बट गुगी वाज नॉट अ बिग सक्सेस। उसके बाद मैंने बेलापुर की डायन किया। जब 5 एक्ट्रेसेस टॉप एक्ट्रेसेस ने उस रोल को मना कर दिया तो उन्हें एक न्यू कमर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा और उसके लिए उस साल मुझे सारी नॉमिनेशंस मिली। यू डिलीवर्ड। कमर्शियल सक्सेस उस तरह से नहीं था। बिल्कुल। तो क्रिटिकल यू लाइक मैं करना ही नहीं, मैं वो करना जेड़ा यार बिक रहा है, करना है जेड़ा करा इच वजह थी और का नहीं देखन। आज मैं बाहर निकलती हूं तो औरतें जब मेरा हाथ पकड़ पकड़ के कहती हैं कि आपने जो वो जो धराड़ में वो जुमला था, इस तरह के मर्द फितरतन किसी एक औरत पे नहीं टिकते और इस तरह की औरतें भी नहीं, उनको वो पसंद आया। तो आई डोंट जज माय ऑडियंस, आई जस्ट फील सलमान खान की फिल्म की अपनी ऑडियंस है और नसीरुद्दीन शाह की अपनी है, दोनों को राइट है, कोएग्जिस्ट। बट एज अ फिल्म मेकर वो एक क्रेविंग भी होती है ना यार, होती है और वो मैं करती रहती हूँ पंगेबाजियां ऑन एंड ऑफ। मैंने इनफैक्ट फिल्म भी वही बनाई जो शायद जिसपे वो सारे वो फॉर्मूला अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर है या ये जब आप लिखने बैठी तो ये आमद आना? आपको छोटा सा एक क्रिटिसिज्म बताती हूँ, मेरा क्रिटिसिज्म आपका नहीं, आपने तो इतना एंजॉय किया, आपको देख देख के मैं एंजॉय करती थी और सांसें लेती थी।
मुश्किल एक चीज ये थी कि वो जब शूट हो रहा था तो साथ साथ लिखा भी जा रहा था. अच्छा. तो जनरली आई वाज नॉट लुकिंग एट द यू नो रिव्यूज, क्योंकि मुझे ये था कि यार कुछ गलत आ गया तो पता नहीं मैं डिसहार्टन ना हो जाऊं या मैं डीमोटिवेट ना हो जाऊं. लेकिन मैं कुछ बड़े शौक से रिव्यूज देख भी रही थी. एक रिव्यू आया तो उसमें नाम नहीं लूंगी पर किसी ने कहा कि ओह माय गॉड बट यू नो दिस इज सो क्रिंज एंड यू नो दिस इज सो चीप. ऐसे कहां होता है कि किने क्या सी यार इस तरह से बात करें. हाँ. और कहां होता है ऐसे कि एक छोटी सी मिसाल है. हाँ. उसमें एक सीन था कि घर में चूही घुस जाती है. हाँ. और एक कोहराम मच जाता है. हाँ. जब आप डिफेंस में बैठे हैं तो आपको कैसे पता होगा कि अंदरून इलाकों में जहाँ पे इतनी तंग गलियां हैं, सीवरेज सिस्टम वैसे ही नहीं है, आसपास बेसमेंट और कारखाने हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम है. बिल्कुल. कि कुड़कियां लगाई जाती हैं और उन चूहियों को कैच करना एक हंट है पूरा. नहीं जी, अगर डिफेंस से किसी घर भी चूही आ जाए तो एनजी होता है. ओना दे घर नहीं आंदी होएगी ना, तो उन्होंने रिलेट ही नहीं किया. नहीं, ओना दे घर लिजर्ड्स आंदियां ने. हां, लिजर्ड्स. लिजर्ड्स आंदियां ने तो कॉकरोचेस आंदे ने. एग्जैक्टली. अच्छा, अब एक और मजे की बात बताऊं. इमरान और मैं जब ये ड्रामा अंदरून लाहौर में शूट कर रहे थे तो रमजान में शूट कर रहे थे और बड़ी रातें भी आती थी. हाँ. एक दिन वहां पे बच्चे ना ये शब्बे बरात और ये सब. हाँ. आते हैं जब तो पटाखे बहुत चलाते हैं. तो हम शूट करें, हम जुमला बोलने लगे, वो पटाखा हमारे पाँव में फेंक दें. और लिटरली एक ऐसा वक्त आया कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना क्राउड मजमा, लिटरली हसन कोई 300-400 लोगों का मजमा. हाँ. बाजारों. हाँ. में गलियों में, और हम जुमला बोले तो पटाखा आ जाए. तो अब जिसने ये कल्चर जिया ही नहीं है उसके लिए तो ये एलियन ही होगा. हाँ. लेकिन मैं रोज सुबह वहाँ पे सेट पे जाती थी और मुझे कोई 20-25 बच्चे फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं आप गटर में गिर गए पुराने एपिसोड में. तो मेरे लिए तो वो सक्सेस है. हाँ, because it was about them. True. जो आप बात कह रहे हैं कि वो सिचुएशंस बनाई, yes, some were animated, हमें वो जो एक क्रिएटिव लाइफ. नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो ह्यूमर है ये आपका अपना ह्यूमर है इन योर लाइफ, बिकॉज़ आई नो यू आर रियल. या बिकॉज़ माय ननियाल इज फ्रॉम अंदरून लाहौर. तो ये सारी चीजें, ये छोटे लेवल के काउंसलर लेवल के इलेक्शंस, अगेन हम बहुत सारी बातें उस ड्रामे में कह गए. हाँ. जो शायद एक सीरियस ड्रामे में कहते तो उस पे बैन लगता. हाँ. वो अलाउ नहीं हमें होता कहना. हाँ. लेकिन बात ही सबसे अच्छी वो है कि आप कह भी जाए और पकड़ा ही ना दें. हाँ. अब आपने अंदरून शहर का जिक्र किया, लग दी लाहौर. ओह माय गॉड, आज तो मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है ये गाना. और लाहौर की सबसे अच्छी बात क्या है यार, ये बताएं आप. आई थिंक लोग, लाहौरियों के लिए तालियां, लाहौरियों के लिए तालियां, खुले दिल के. हाय हाय, जो मुंह में आए भक देते. लाउड माउथ है हम थोड़े. हाँ हाँ. और कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत स्टीरियोटाइपिकल है, पंजाबी कहाँ लाउड माउथ होते हैं. लेकिन पंजाबियों की ना एक, मेरी आवाज बह गई है शो कर कर के. आपकी आवाज कराची पहुंच रही है डायरेक्ट ऐसी. तो वो जो एक होता है ना फनी बोन्स होना. हाँ. हाजिर दिमागी के आपने कोई. हाँ. पंच लाइन मारी तो छट. हाँ. वो आई आपको वापस. ये लाहौरियों का फोटे है.